मुठभेड़ थी या देखिए दो क्रिमिनल्स थे जो लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे और वो चोरी करते थे, घरों में नकबजनियाँ करते थे, उसके अलावा वो लूट को भी अंजाम देते थे। तो इस पर हमारी टीम जो है थाने की टीम और जो SOG टीम है लगातार काम कर रही थी और हम लोग को सूचना मिली कि ये लोग फिर से किसी घटना को करने की फिराक में है, तो हम लोगों की टीम एक्टिवेट हुई और उसके उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया जिसमें जवाबी कार्रवाई में ये घायल हुए हैं। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इनके पास से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं जिसमें कि ज्वेलरी बरामद हुई है भारी मात्रा में, सोना चांदी कैश मोबाइल जो कि चोरी ये मोटरसाइकिल जो कि चोरी किए, काफ़ी सारे मोबाइल बरामद हुए हैं इनके पास से और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी आपराधिक घटना से जुड़े हुए हैं। सर क्या कौन लोग हैं, कहाँ कितनी घटनाएं? ये एक व्यक्ति हैं अशोक और ये चरखारी के रहने वाले हैं और एक गजोधर जो कि यहीं के मटौंद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारी घटनाएं की हैं, इस वजह से ही इन दोनों पर प्रत्येक व्यक्ति पर 25,000 रुपये के इनाम भी घोषित थे और आज ये बड़ी सफलता बांदा पुलिस की टीम को मिली है जिसमें ये दोनों दौरान पुलिस मुठभेड़ घायल हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी इनके और भी जो साथी होंगे उनको डेवलप किया जाएगा और इन पर गैंगस्टर एक्ट और अन्य विधिक कार्रवाई इनके ऊपर की गई। पुलिस के ऊपर देखिए उस चीज़ की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, हम लोग यहीं मौके पर आए हैं, हमारी फील्ड यूनिट भी है यहाँ पर, सारी चीज़ें हम लोग जानकारी कर रहे हैं, जैसे हुआ तो हम लोग अपडेट करते हैं। बांदा में कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया? बांदा में एक फिलहाल जो भी कुछ दिन पहले की थी, आबकारी विभाग में एक कांस्टेबल हैं उनके घर में चोरी हुई थी, एक मटौन थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी हुई थी, एक लूट हुई थी जिसमें उन लोगों ने मोबाइल और कुछ कैश लूटा था। तो और भी घटनाएँ जो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे पता चलेंगी और जिलों में हो सकता है इन्होंने घटनाएँ की जिसको हम लोग डेवलप करें।